गाइस आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको काफी हेल्प करने वाली है। गाइस आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो गाइस अभी तक मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 8 मंथ तक काफी सारी एक्सरसाइजेस बताई है। आई होप कि आप मेरी उन सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो भी कर रहे होंगे और काफी इंजॉय भी कर रहे होंगे। वैसे आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसको करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, ऑपरेशन की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो गाइस मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज के इस वीडियो को मेरी स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखें, साथ के साथ एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक मेरी इस वीडियो को जरूर देखें और मेरी इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। तो अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग के फुट को ज्वाइंट करके रखना है। देन फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को वन बाय वन करके बैक साइड लेके जाना है। देन अपनी अपर बॉडी को भी बैक साइड लेके जाना है। बैक साइड ले जाके अपनी बॉडी को 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देन आपको फ्रंट साइड आना है। फ्रंट साइड आके आपको अपनी अपर बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है। पूरा डाउन साइड लेके नहीं जाना है। देन अगेन सेम बैक साइड, ऐसा आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। जितना आप कंफर्टेबल रहे उतना ही आपको अपने दोनों लेग को ओपन करना है। फर्स्ट आपको अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड लेके जाना है। अपनी अपर बॉडी को अपसाइड स्ट्रेच करना है। देन अपने दोनों हैंड्स को अपने फ्रंट साइड रखना है। देन जितना आप अपनी अपर बॉडी को फ्रंट साइड डाउन साइड लेके जा सके उतना ही आपको डाउन साइड लेके जाना है। अपने टमी पर प्रेशर नहीं डालना है। देन अपने दोनों हैंड्स को वन बाय वन करके बैक साइड लेके आना है। देन अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करना है। ऐसा आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। अगर आप 10 टाइम्स तक नहीं कर पा रहे तो उसको ओनली 5 टाइम्स करना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए सेम आपको अपने दोनों लेग को ओपन करके रखना है। देन फर्स्ट आपको अपने राइट हैंड को और अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड डाउन साइड लेके जाना है। देन सेम राइट साइड, इसको भी आपको ओनली 10 टाइम्स करना है। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से बैठना है जिस तरीके से मैं बैठी हूँ। देन आपको अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट लेग की नी पर रखना है। देन अपने लेफ्ट हैंड को बैक साइड ले जाते हुए अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है। देन 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देन से अदर साइड, इसको भी ओनली आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है।
देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी एक्सरसाइजेस करें, यानी कि जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद आपको 10 सेकंड का ब्रेक लेना है। कंटिन्यू आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी, ब्रेक लेकर आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग स्किनी को बेंड करके दोनों लेग को ओपन करके रखना है। देन अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। देन आपको इसी पोजीशन में रह के अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है। इसमें आपको अपनी नेक को यूज़ करना है, नेक को अप एंड डाउन करना है। इसको ओनली 10 टाइम्स तक करना है। इसको ओनली आपको 30 सेकंड तक करना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मैट पे लेटना है। देन अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट आपको अपने लेफ्ट लेग को अपसाइड उठाना है। जितना आप कंफर्टेबल रहे आपको अपने लेग को उतना ही अपसाइड उठाना है। देन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन। इसको ओनली 5 टाइम्स करना है। सेम आपको अपने दूसरी साइड करना है, यानी कि राइट साइड करना है। राइट साइड भी आपको 5 टाइम्स करना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके देन दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके फ्लो पे रखना है। फर्स्ट आपको अपने राइट लेग और अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है। दोनों को आपको एक साथ स्ट्रेट करना है। देन सेम अदर साइड। इसको ओनली 10 टाइम्स तक करते रहना है। ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते टाइम अगर आप कोई भी जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप अनबैलेंस हो सकते हैं। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है। देन अपने दोनों हैंड्स को अपने वेस्ट पे होल्ड करके अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके डाउन साइड जाना है। देन अप साइड आना है। इसको ओनली 10 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो गाइस आज जो मैंने आपको नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइजेस बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टिप्स की। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे ही हमारा 8 मंथ कम्प्लीट होता है, 9 मंथ लगता है, तो अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टिप्स। तो गाइस 9 मंथ में अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे 9 मंथ लगेगा तो आपको अपना ध्यान बहुत ही रखना है। इस टाइम पर हमारी डिलीवरी किसी भी टाइम
हो सकती है। सबसे पहले तो आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है, क्योंकि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका या आपका पैर स्लिप भी हो सकता है, उससे आप गिर सकते हो और उससे आपके बेबी को और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको लूज़ कपड़े पहनने ताकि आप कंफर्टेबल रहे और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का स्वेलिंग ना हो, ना ही आपके लेग में स्वेलिंग हो। और आपको ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है, खड़े होके तो बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है, पैर लटका के नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके लेग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है और पेन भी हो सकता है। और इस टाइम पर आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। साथ के साथ एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है, क्योंकि बॉडी में पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी तो डिलीवरी के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस, आप मेरी इन बताई गई सारी टिप्स का ज़रूर ध्यान रखें और इनको ज़रूर फॉलो भी करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसी तरीके की एक्सरसाइजेस के साथ और इसी तरीके की काफ़ी अच्छी टिप्स के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।